ऑल राइट गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फेक ब्लू टिक को कैसे लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, अगर आपके नाम पे कोई आर्टिकल नहीं है छपा, तब तक आपको फेसबुक ओरिजिनल वाले ब्लू टिक आपको नहीं है देता, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पर फेक ब्लू टिक को कैसे लगा सकते हो। तो चलिए भाई, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसी तरह स्मार्टिस्ट वीडियो आपका भाई आपके लिए लाता रहता है। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ब्लू टिक लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन करना है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैं बहुत सारा एप्लीकेशन को यहाँ पे ट्राई किया हूँ ब्लू टिक लगाने के लिए, ठीक है। मगर इन सभी से ब्लू टिक तो लगता है, मगर उतना अच्छा तरीके से ब्लू टिक नहीं लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ से आप अच्छे खासा जो ब्लू टिक लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर या गूगल भी आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। ओपन करने के बाद सर्च वाले आइकन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है unilink.border करके, यहाँ पे आपको सर्च करना है, ठीक है। ऐसा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया, सेम टू सेम ऐसा सर्च कर देना है। जब भी सर्च कर दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। और इस वेबसाइट का जो लिंक है, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, डायरेक्ट उस वेबसाइट से डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप जा सकते हो लिंक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे स्लो है, तो यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेबसाइट आ चुका है। तो इस वाले फर्स्ट वाले वेबसाइट को यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करना है। जब भी ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोफाइल लेयर भी आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपका प्रोफाइल पे जब भी लगाओगे तो ये आपका प्रोफाइल जो स्टाइलिश दिखने में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना प्रोफाइल लेयर भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे ये प्रोफाइल लेयर अच्छा लगता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आना, यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट फोटो, उससे पहले यहाँ पे वेरिफिकेशन बैच करके एक ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ ब्लू टिक का एक ऑप्शन है, इस पर आपको टिक लगा देना है, ठीक है। जब भी टिक लगा दोगे उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट फोटो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपने गैलरी में आपको चले जाना है, ठीक है। गैलरी में जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना फोटो को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी फोटो में आप ब्लू टिक को आप लगाना चाहते हो, उस फोटो को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको दिखाने के लिए कोई भी इनमें से एक फोटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इस वाले फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। जब भी मैं सिलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग लिखा करके यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ देर यहाँ पे आपको लोड लेगा, तो यहाँ पे कुछ देर आपको वेट कर लेना, ठीक है। जब भी वेट कर लोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे प्रोफाइल आ चुका है, और इसमें यहाँ पे देख सकते हो ब्लू टिक भी लग चुका है, ठीक है। आप कमेंट मत करना ये वीडियो फेक, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि मैं आपको प्रोफाइल पे ब्लू टिक लगाना सिखाने वाला हूँ, वो भी फेक ब्लू टिक लगाने वाला हूँ, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करता है, वीडियो के नीचे जाते हैं कमेंट में फेक फेक ऐसे वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप मत करना, मैं आपको थंबनेल पे भी फेक मैं आपको शो करा दिया था, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, इस इमेज को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए कुछ देर यहाँ पे प्रेस करके इमेज पे रखना है, ठीक है। कुछ देर यहाँ इमेज पे प्रेस करके रखना है, डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जब भी डाउनलोड कर दोगे तो आपको क्या करना है, फिर सिंपली आपको फेसबुक में चले आना है, ठीक है। फेसबुक में आने के बाद अपना प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अपना उस फोटो को यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोफाइल फोटो पे मैं क्लिक करता हूँ और उस फोटो को मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। जब भी मैं सेव कर दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ओके मैं क्लिक किया, सेव किया, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो ब्लू टिक है ये मेरे जो प्रोफाइल में यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल लेयर भी इसमें लग चुका है। जब भी मैं प्रोफाइल लेयर लगा दिया हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा प्रोफाइल है कितना ऑसम दिखने में लग रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको फेक ब्लू टिक और अपने फेसबुक जो फोटो है उसमें आप लेयर भी को यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। वीडियो से थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों, बाय।